संबल जनपद के चंदोसी में दलित समाज के लोगों ने हाथरस गैंगरेप कांड मामले में संसद के 131 सांसदों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सभी सांसदों के पुतलों की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया है। सांसदों के पुतलों की शव यात्रा निकाले जाने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे SDM के निर्देश पर पुलिस ने पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे लोगों से बामुश्किल पुतला छीनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर वापस भेजा। संबल जनपद के चंदोसी में दलित समाज द्वारा संसद के 131 सांसदों के पुतलों की शव यात्रा निकाले जाने के दौरान दलित समाज की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर और दलित नेता सतीश प्रेमी ने देश के सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरा देश हाथरस गैंगरेप कांड की निंदा कर आरोपियों को कड़ी सजा के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन देश की संसद में बैठे देश के 131 सांसद हाथरस गैंगरेप कांड पीड़िता को न्याय के मामले में चुप्पी साधे है। इन सांसदों को जगाने के मकसद से दलित समाज ने आज 131 सांसदों के पुतलों की शव यात्रा निकाली है। जो आपने 131 सांसदों का जो पुतला मतलब जो अर्थी निकाली है, उसमें क्या कहेंगे आप? आज हमने 131 सांसद जो पूरे देश से संवैधानिक आरक्षण के तहत चुनाव जीत करके आते हैं, उनकी अर्थी निकालने का शहर में काम किया, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी मनीषा हो या बलरामपुर की विमला हो, इन बेटियों को गैंगरेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, पैर तोड़े गए, उनकी हत्या की गई, लेकिन इतने बड़े जघन कांड होने के बावजूद मतलब कोई देश का सांसद इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि संवैधानिक आरक्षण के तहत 131 सांसद जो पूरे देश से आरक्षित सीटों चुन के आते हैं, अगर वो भी दलितों का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो इस देश में कौन दुख दर्द समझेगा? इतनी बड़ी घटना मनीषा की, हाथरस की बेटी की घटना हुई, मनीषा की उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, दिल्ली में जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उसके परिजनों को उसको सबको नहीं सौंपा गया, पुलिस को सबको सौंप दिया गया, और उसी पुलिस ने रात के 2:45 गांव में जा करके तेज छिड़क करके उसे पुलिस आके हवाले कर दिया और उसके परिजनों को कुंडी में परिवार में बंधक बना करके ताला लगा कर बंद कर दिया गया। एक बार तो हमने सुना था कि जब गुलामी के दौर में जब सरदार भगत सिंह को एक दिन पूर्व फांसी दी गई और फांसी देने के बाद रात के 3 बजे रात के सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को, सहदेव को जिस तरह से कत्ल करके तेज छिड़क के आग लगाई गई, ठीक उसी प्रकार से मनीषा के परिवारजनों को उसका शव नहीं सौंपा गया, उनके परिवारजनों को ताले के अंदर बंद कर दिया गया और पुलिस के साये में उसके शव को तेल चढ़ा के जला दिया गया। ये आज अंग्रेजों का राज नहीं है, काहे की आज़ादी है? हम जानते हैं कि संविधान के तहत अगर 131 सांसद हमारी बात नहीं कहेंगे तो हमने शहर में आज उनकी अर्थी निकाल करके उनको यह उनकी आत्मा को जागृत करने का काम किया है कि आपकी आत्मा अगर जागृत है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए और राष्ट्रपति के पास जा करके आप उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों को जाहिर कीजिए कि हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इस देश के बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत हम कहाँ आज़ाद रहेंगे। इसीलिए आज हमने अर्थी निकाली, शहर में घुमाई, 131 सांसदों का विरोध किया, उनकी आत्मा को जागृत करने का काम किया और इस गूंगी और बहरी प्रदेश और केंद्र की सरकार को भी जगाने का काम किया है कि हमारी बहन मनीषा को और बहन बलरामपुर की विमला को, अभी भी 2 घटना आजमगढ़ में हो गई और घटनाएं हुई हैं इस प्रदेश में हमारी दलित समाज की बेटियों को, जो न्याय देने का काम करें। इसके लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहन बेटियों को, निश्चित तौर पर हम कोई भी सरकार हो हम अपने सांसदों को जगाने का काम करेंगे और प्रदेश और देश की गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।